चाय के लिए बोलने, मुझे चाय दुकान वाले बोल के आते हैं। सुबह के 9 बज गए अभी तक सो रहे थे, बाकी सही था। चलते हैं जी चाय वाय का बोल के आते हैं। जय भाजी, सुबह सुबह मैगी बनाने में लग गए। ओ सन्नी भाजी उठो, 9 बज गए। चलो जी तैयार हो गए, हम निकल रहे हैं यहाँ से। दोनों बावर्ची भैया आगे चल रहे हैं, जय ये सन्नी भाई, सिलेंडर चूल्हा हमने भी ले रखी है, कढ़ाई। कोई ये ना कहते भैया हमारे लिए कुछ बना दो भैया, भैया 2 प्लेट मैगी लगाओ, 2 प्लेट मैगी, 2 प्लेट मैगी लगा दोगे? ₹200 एक साथ देखें कभी जिंदगी में? तो अभी जा रहे हैं नैना देवी मंदिर, जो मार्केट के एकदम साइड में है, गुरुद्वारे के पास में, और पीछे मस्जिद है। तो अभी नैना देवी मंदिर जाएंगे माता रानी दर्शन। जा रहे हैं बोटिंग के लिए, बोटिंग स्टेशन 3-4 बने हुए हैं, आप किसी से भी बोटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। रेट वगैरह मैं आपको बता दूँगा कितने रुपये। तो हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए, लेक में बोटिंग करके आएंगे थोड़ी देर। कितने रुपये भैया बोटिंग? सर 200 लेंगे, तीनों बड़ा राउंड करेंगे। बड़ा राउंड के 20 सेंटर लेके जाएंगे, बड़ा राउंड पूरा वहाँ तक, वहाँ तक नहीं जाते हैं। अगर वहाँ तक जाओगे तो 400 रुपये लगेंगे आप, तीन के तीन लोगों को वहाँ तक जाएंगे। एंड में तीसरा डब्बा रहता है मंदिर का। अच्छा, वहाँ तक 200 पूरे लेके सर, हमारे रिटर्न आएंगे सब। आप जाओगे अंकल जी? वो जाएंगे क्या? ये लो जी आ गए बोटिंग पे, आ जा मेरे पास, आ जा तू, तेरे साथ ही खिंचवाऊंगा मैं फोटो। तो क्या ठंडा पानी यार, मैं गिर गया तो बचाने का रिस्क। नगर पालिका परिषद नैनीताल के सांसद कुछ तो बोलिए, आपकी क्या? अगर गिर जाऊँ तो जिम्मेदारी है, यही लेके है मुझे बोटिंग। आपकी क्या राय है? ये सारे पहाड़ हमारे दादा परदादा ने बनवाए थे, देखे भी हैं कभी पहाड़। कितने चलाना होता है? आज बोटिंग भी करके देख लिया यार, कैसे चलती है? चल तो नहीं यार मेरे ढंग से यार, जो मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, चला भैया ही रहे ठीक है ना, मैं वीडियो के लिए कर रहा हूँ, मैं फोटो के लिए। सही चला रहा हूँ, सही चला रहा हूँ, ऐसे ही इतना ही। जगह तो जबरदस्त है, नैनीताल है नहीं, हवा बनी थी क्या? हाँ यार मौसम ठंडा रहता है, 12 महीने ठंडी रहती है ना, शाम को तो भैया ठंड लगती है। मैं तो कुछ जैकेट लेके आया हूँ। अरे हमसे पूछो ना, दिखने में अच्छी लगती है। चलो जी बोटिंग फिनिश होगी, अब आगे देखते क्या करते हैं। आगे जी बोटिंग करके 20 से 25 मिनट बोटिंग कराई, लगभग आधे घंटे के आसपास, और उसके हमसे चार्जेस लिए हैं 210 रुपये। और 160 में भी है, वो थोड़ी कम दूर जाके आते हैं, 210 में थोड़ा आगे तक लेके जाते हैं। तो अभी बोटिंग हो गया, नेक्स्ट देखते हैं अब क्या करते हैं। यहाँ पे बोटिंग जो जगह है, प्लेस बना हुआ है बोटिंग का, उसके साइड में पार्क भी है, वो व्यू पॉइंट है, तो वहाँ से सारा लेक का व्यू दिखता है। तो अभी का क्या सीन है, अभी ले रहे हैं हम साइकिल, यहाँ से रेंट पे मिलती है, जो माल रोड है ना आगे,
जो यहाँ की माल रोड है वहाँ पे साइकिल आपको खड़ी हुई दिख जाएगी, वो रेंट पे देते हैं 100 रुपये 50 रुपये से रेंट उनका रेट है। 100 की अलग साइकिल है, 50 की अलग है, तो उस हिसाब से आप बात कर लें, साइकिल ले लें। तो अभी हम 3 साइकिल ले रहे हैं, 3 साइकिल से ऊपर व्यू पॉइंट है, वो देखने के लिए जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, मज़ा आएगा। और गाड़ी से भी जाते हैं वैसे 700-800 रुपये, वो कहते हैं बीच में रास्ते में व्यू पॉइंट जो भी आते हैं, और दूसरी 2-3 जगह और हैं वहाँ पर वो ले जाते हुए 1100-1200 रुपये लेते हैं। हमने कहा साइकिल से जाएंगे, मस्त साइकिलिंग करेंगे, मज़ा आएगा साइकिलिंग। बोटिंग करी थी, अब साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग इन हिल स्टेशन, मज़ा आ रहा भाई। साइकिल से जाएंगे, ऊपर व्यू पॉइंट है, और वहाँ पे रोप वे भी जाती है, पर रोप वे से नहीं जा रहे, वहाँ 300 रुपये पर पर्सन लेते हैं। साइकिल से चलेंगे मज़े से, अपने 1.5-2 घंटे के लिए मिलेगी साइकिल, 100 रुपये पर साइकिल लेता है। हाँ, 1 किलोमीटर चलें, हाल बुरे हो गए, पूरे माथे पे पसीने पसीने दिख रहे होंगे, वो तो दिख नहीं रहे मेरे को पीछे कहीं। हाँ, चढ़ाई देख रहे हो पीछे, एकदम सीधी चढ़ाई है नीचे, कैसे चढ़ेंगे पता नहीं, होएगा भी या नहीं होएगा, साइकिल का पंगा ले तो लिया एडवेंचर के चक्कर में, मैं कर जाऊँगा वो दोनों अगर हिम्मत ना हारे तो, पर वो आ नहीं रहे, फ़ोन करते हैं पूछते हैं कहाँ तक पहुँचे वो। वापसी जा रहे हैं नीचे, वो तो आए नहीं ऊपर, थक गए रास्ते में, रुक गए वो, तो वापसी जा रहे हैं भैया, देखते हैं क्या होता है, गाड़ी से जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, बट अभी के लिए उन्होंने तो हिम्मत हार ली। मैं 1/2 किलोमीटर चल के आ गया हूँ नीचे वापसी, वो अभी तक तो दिखे नहीं, दिख गए दिख गए दिख गए, नहीं चलना तुम्हें, थक गए ना, ना तो चलो यार, मैं पता है वापसी नीचे उतर गया वहाँ से। नहीं भाई क्या हुआ, इन्होंने तो हिम्मत हार ली है, कह रहे नहीं जाएंगे, तो मैं अकेला भी जाके क्या करूँगा, तो वापसी यहाँ से जाएंगे, साइकिल देंगे, फिर गाड़ी से जाने का सोचेंगे, गाड़ी से जाएंगे। हैं क्या कह रहे हैं, थक गए नहीं चल पाएगा, चलो एक ने तुम्हारी, हाँ भाई नहीं चल पाओगे, नहीं नहीं ना, बताओ फिटनेस के गुरु मानते हैं अपने आप को और जा नहीं रहे हैं, शक्ल देखो, हाय हाय भाभी जी देखेगी ना, कहेगी थूकती हूँ मैं तुम पे, तुम चढ़ नहीं पाए साइकिल लेके, ऐसे बोलेगी भाभी जी। और तू भाई आंटी जी क्या खिलाते नहीं हो गए इसको कुछ, है हिम्मत आ गया अभी से, घर आए तो इसी फिटनेस पर ध्यान रखना पूरा, डंडों से मारना इसको। लो जी अंकल जी, जी अंकल जी हम तो जा नहीं पाए, थक गए बीच में, मैं तो जा रहा था गए नहीं। तो दोस्तों ऐसे साइकिल आपको माल रोड पे खड़ी हुई दिख जाएगी, काफ़ी सारी साइकिल आगे तक ऐसे लाइन में खड़ी है, तो अभी गाड़ी से जा रहे हैं, साइकिल से जा नहीं पाए, बढ़िया टूर है, बहुत बढ़िया राह, क्या थकावट हो जाती है पहाड़ों पर, हमेशा चलाने की आदत है ना, वैसे चलाते हैं, और सन्नी पाजी तो थक ही गए थे पूरे, इसलिए गाड़ी पहले आए हैं वुडलैंड वाटरफॉल व्यू पॉइंट पे जाएंगे जाते टाइम, ये नैनीताल से कुछ पड़ जाते हैं, 7-8 किलोमीटर दूर है वाटरफॉल, आपको आवाज़ आ रही होगी पानी की, तो अभी वाटरफॉल में थोड़ा एंजॉय करेंगे, उसके बाद में वापसी व्यू पॉइंट पे जाएंगे, व्यू पॉइंट पे नज़ारों को मजे लेंगे। गाइस वाटरफॉल की जो फीस है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन है, और यहाँ पे ऐसे पार्क टाइप भी बना हुआ है, बाघ हिरण वगैरह भी लगाए हुए हैं, बाकी ऊपर वाटरफॉल चलते हैं देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे, पर बना यहाँ बढ़िया रखा है, साफ़ सुथरा एकदम, और 50 रुपीज़ जायज है यार, साफ वो लेते हैं फीस के ना, उसको बनाए रखने के लिए 50 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है, सही है, पेबल होता ना तो आदमी ज़्यादा ध्यान रखता है, अगर पेबल नहीं होता तो कूड़ा कचरा ज़्यादा।
खोल के मजे लिए जा रहे हैं। सही है, काफ़ी बढ़िया यार वाटरफॉल। यहाँ पे भीड़ भी नहीं है इतनी ज़्यादा, इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, कम ही है क्राउड, ठीक है। हाँ हम भी मुलो भाग गया वो हमारा घर को। वाटरफॉल में एक नंबर मजा है। जूते खोल के अंदर गए थे और पूरा पानी के अंदर फोटो वोटो वीडियो वीडियो बनाए थोड़ी देर। उसमें छोटी छोटी मछलियाँ भी थी जो पैरों में ऐसे चल रही थी, पता चल रहा था, बाकी सही था, अच्छा था। तो वहाँ से निकले हैं, कुछ खाने के लिए रुके हैं। तो सुबह से सिर्फ मैगी खाई थी, उसके बाद कुछ खाया अंदा, तो अभी कुछ खाते हैं, पराठे ऑर्डर किए हैं पीछे दुकान में, तो आते हैं। यार व्यू देखो क्या ज़बरदस्त व्यू है। सामने का मौसम देखते देखते क्या जबरदस्त हो गया यार, पूरे बादल बादल छा गए हैं चारों तरफ। ये है हिमालय व्यू पॉइंट से जो दिखता है सामने के पहाड़ दिख रहे हैं। और सही बताऊं यहाँ पे आना सबसे बेकार एक्सपीरियंस रहा। कुछ नहीं है, पीछे स्कोप लगा रखे हैं, उसके थ्रू आपको दिखा रहे हैं। एक नंबर का बेकार एक्सपीरियंस, मूड ही ख़राब हो गया, क्यों आए इतनी दूर। इससे बढ़िया तो अगर मुक्तेश्वर चले गए होते आज ठीक रहता, आए और अब आपसे निकल रहे हैं, दो मिनट भी रुके, कोई मजे वाली बात नहीं। पब्लिक को लिटरली पागल बनाने का एक जरिया है। कैसे हो व्यूअर्स हमारे? तो ठीक है गाइज, अब यहाँ सारा घूमा, आप सीधा घर के लिए निकलेंगे यहाँ से। चेकआउट सुबह ही कर दिया था मॉर्निंग में, तो ठीक है, अब मिलते हैं आपको अगली किसी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए गाइज आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू सो मच। और अब यहाँ से निकलते हैं जल्दी जल्दी, अगर थोड़ा बहुत और घूमना हुआ तो कुछ शूट कर लूँगा मैं, वरना फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आपको। ठीक है गाइज, आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखिए, हम भी अपना ध्यान रखते हैं। बाय बाय बाय। तेरा पहुंच गया परेशान तो परेशान, हिसाब दे तेरे।